सभी दर्शकों का स्वागत है। देखते हैं आज की खास खबर। नहीं रुक रही कैथल में नशा तस्करी, 12 ग्राम स्मैक के साथ महिला तस्कर गिरफ्तार। कैथल भोला चिका में नशा पकड़ने के लिए एसपी कैथल वसीम अकरम द्वारा गठित टीम ने शुक्रवार के दिन नशा रोधी दस्ता के इंचार्ज बलवान सिंह ने चिका की एक स्मैक तस्कर महिला को उसके घर से ही नशीले पदार्थ के साथ गिरफ्तार कर लिया है। प्रदेश में नशा तस्करों की गिनती आए दिन बढ़ती जा रही है। इसी बीच पुलिस प्रशासन भी इस बड़ी मुसीबत को लेकर काफी संजीदा हो गया है। नशा तस्करों की रोकथाम को लेकर पुलिस को शुक्रवार के दिन बड़ी कामयाबी मिली। जानकारी देते हुए डीएसपी प्रमोद कुमार ने बताया कि गिरफ्तार की गई महिला की पहचान सरोज रानी पत्नी कश्मीरी लाल निवासी वार्ड नंबर 9 संजय बस्ती चिका के रूप में हुई है। इस महिला के बारे में बार बार गुप्त शिकायतें प्राप्त हो रही थी। गुप्त जानकारी के आधार पर नशा रोधी दस्ते द्वारा महिला के घर पर छापामारी की गई तो महिला से 12 ग्राम स्मैक बरामद हुई। उन्होंने कहा कि महिला को गिरफ्तार कर उससे स्मैक के बड़े सप्लायर की पूछताछ की जा रही है। आपको बता दें कि कैथल का गुल्हा कस्बा पंजाब से लगता है, जिसके कारण यहां नशे का कारोबार ज्यादा फल फूलता जा रहा है। इसी कड़ी में आज से कुछ दिन पहले गुल्हा के विधायक के भतीजे को उसके दो दोस्तों के साथ CIA की स्पेशल टीम ने पकड़ा था, लेकिन फिर भी कैथल में नशे का कारोबार रुक नहीं रहा और युवा वर्ग नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं। तो MS News Live की खबर देखने के लिए आज ही प्ले स्टोर से MS India ऐप डाउनलोड करें और हमारी न्यूज के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।